पर जो है होली सेलिब्रेट करने के लिए आया है, लेकिन इसको जो है विटामिन भी लाना है ना मेरी वानी को, तो यहाँ पर बोले कि कल आना, तो मैं आपको आपको कल वानी को पिला दूँगी कल, क्योंकि आज जो है होली के दिन लगा कि मंगलवार को होली है 6-7 तारीख को, लेकिन यहाँ पर जो है 6 तारीख को होली मनाया जाएगा, और यहाँ पर जो है मंगलवार को शायद होली नहीं जलाया जाता होगा, इसलिए यहाँ पर जो है आज यानी कि 6 तारीख को होली जो है दहन किया जाएगा। और यहाँ पर आपके यहाँ कब और किस दिन होली मनाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर जो है मेरी वाणी जो अभी जो है ये खा रही है पॉपकॉर्न, बोलते हैं जो हम गुजराती में इसको धानी बोलते हैं, तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी मम्मी जो है वो जो गेहूँ होते हैं ना, गेहूँ की वजह सेवैया होती है, तो सेवैया को जब हम पानी उबालने के बाद उसको जो है थोड़ा पकाएंगे, पकाने के बाद जो उसको थोड़ी क्या चीनी डाल के ऐड करके फिर हम वो खाते हैं, यानी कि जो होली के दिन होता है ना वो घर पे भी बनाई जाती है उस सेवैया, और उसको सेवैया को जो है शाम को होली के दिन खाते हैं, और दूसरे दिन जो है होली यानी कि धुलड़ी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक दिन छोड़ के होली और उसका त्यौहार होगा। तो आपके यहाँ कैसा हुआ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ जो है मैं अभी मम्मी के घर ही हूँ, ये देखो मेरी मम्मी ने बनाया है वाले का चोटी, कैसा बना है दिखाना, ऐसे घुमा ऐसे हाँ ऐसे देखो कितना प्यारा बना है ना, तो देखो कमेंट में। तो गाने का ये लोग आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर जो है खांसी हो गई, और मैं आपको दिखाती हूँ सेवैया कैसे होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह की सेवैया होती है, ये जो हम रेडीमेड लेके आए हैं, क्योंकि घर पे यहाँ पर मशीन नहीं है इसलिए हमने घर पे नहीं बनाया है। और इस तरह की सेवैया होती है जो शाम को पानी में उबालेंगे, और उबालने के बाद इसको जो है चीनी के साथ खाते हैं, और थोड़ा तेल डाल करके फिर खाते हैं। तो आपके यहाँ के इसको खाते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इसको सगुन मानते हैं, ये है और एक डमरू सेवैया है, हर जगह अलग अलग होता है, हमारे यहाँ ये होता है और ये जो है बोलते हैं ये होता है, और एक नारियल हो गया और खजूर हो गया और चना, तो वो सब होली माता को चढ़ाया जाता है, और इस तरह से हमारे यहाँ होली का त्यौहार मनाया जाता है। आपके यहाँ कैसे मनाते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये गोबर है ना, गोबर का ये बना हुआ है, तो इसका हार भी बनाया जाता है, और इसके हार का जो माता जो होली का माता होती है ना, वो चारों तरफ ऐसे लकड़ियाँ बना हुआ होता है, और उसी हार को जो है चढ़ाया जाता है, और जब पूजा होती है तब हम नारियल और जो खजूर होता है उसको हम चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमारे होली का दहन का तैयारी शुरू होता है, तो अभी मैं जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कैसे होता है, तो बने रहे वीडियो में। अभी हम मम्मी के साथ जा रहे हैं, वाने लेके जा रही है, हार तो बना नहीं है, छाना लेके जा रही है बस नानी के घर सेलिब्रेट करेगी वानी, है ना वानू? हाँ किधर जाओगी? नानी के घर नहीं। तो फ्रेंड्स आ गए हम उस जगह पर जिस जगह पर हमें होली सेलिब्रेट करनी है, उसको पापा नहीं आए पूजा करने से, ये देखो ये बहुत हवा भी चल रही है, बाबा जो घर है जा रहे हैं। तो आपने देखा ना इस तरह से सजाया जाए गया है, और आगे जाके जो है जब मुहूर्त होता है उस टाइम पे है जो कि होली का दहन होता है, और उस टाइम पे हम जाएंगे और आपको दिखाऊंगी, तब तक बने रहिए वीडियो में। नहीं जो है पतंग लेकर आ गई मेरे को, तो यहाँ पर जो है मेरी मम्मी कुछ नया बना रही थी, आटा सांग रही है, ये देखिए मेरी मम्मी जो है आटा बना रही है, वो किस लिए बनाएगी वो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। और जो है जब मेरी मम्मी बाजार गई तब मैंने पूरी बना दी थी, और अभी जो है मेरी मम्मी पूरी बना रही है, तो चलिए आ जाइए आप गर्मा गर्म पूरी खाने के लिए। चलो।
आजे होली और आप सभी को हैप्पी होली। तो ये होली आपके लिए खुशियाँ लाए और अच्छी सेहत लाए, इसी दुआ के साथ आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स बने रहे वीडियो में और ऐसे ही प्यार और कम्फर्ट बनाए रखें, तो बने रहे वीडियो में। सभी को हैप्पी होली, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली। पर जो होली पूजन के लिए हमारी थाली रेडी हो गई है जो मम्मी ने सजाई है, देखिए यहाँ पर जो मेरी मम्मी ने थाली सजा दी है। देखिए इस तरह से पानी लिया है और थाली सजा दिया है। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ और आपके क्षेत्र में, आपके शहर में किस तरह से होली पूजन होता है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो बने रहे वीडियो में, आगे हम चलते हैं होली पूजन के लिए। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं पूजन के लिए। सभी को हैप्पी होली यानी हैप्पी धुलेटी। तो आपकी सेहत सब जो है अच्छे से बने रहे। तो फ्रेंड्स बने रहे वीडियो में और चैनल पर बने रहे। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो इस तरह से हमारा होली का त्यौहार सेलिब्रेट हो गया। मम्मी के घर मैंने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया है और इसी तरह से हमारा होली का जो है त्यौहार सेलिब्रेट हुआ। और जो धुलेटी है वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन है, तो यही मुझे पता चला है। अब पता नहीं कल है कि आज है, तो देखने के लिए बने रहे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सो टाटा करो, सो टाटा करो, बाय बाय। मैं चलिया चलिया आज के लिए रोड दी, सो टाटा टाटा। इस तरह से आज का होली का वाला ब्लॉग जो है यहाँ पर जो है मैं दिखा दी। चलो क्या बोल रहे कि चलो शुरू हो गया। अच्छा तो दिखा क्या क्या बन गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ आप सभी के लिए। हमने आटे की जो सेवई बनाई थी ये है, आटे की सेवई जो वानी खा रही है। किस तरह से बनने वाले, क्या बना है आपके लिए? तो इस तरह से सेवैया रेडी हो गई है और जो श्रीखंड है और पूरी है और दाल चावल पहले ही वानी को लिए निकाल के रख दिया था, इसलिए यहाँ पूरी है। ये मेरे पतिदेव है, ये मेरे भैया है और ये मेरी मम्मी है और ये मेरी वानी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय 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 करूंगा बाय बाय करूंगा बाय।